नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉगर्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। जहां हम रास्ते गुजरते हैं तो रास्तों में कोई न कोई ऐसे जो महापुरुष और जैसे कोई भगवान के भक्त या कोई देवों के भक्त हमारे रास्तों में मिल भी जाते हैं। आस्था बड़ी होती है। सामने हमारे दिख रहे हैं वो एक यात्री है और टी शर्ट वगैरह पहने हुए हैं। उस पे थोड़ा मैं नाम बता दूं आपको, श्री जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर आए नमः। पूछताछ करने के बाद पता चलेगा, पूछताछ करनी जरूरी होती है। हम जब राय पर चलते हैं तो हर इंसानों को पूछताछ करनी जरूरी होती है, कैसी स्थिति में है, क्या है। आजकल का जमाना है वो एक बदल गया, कोई किसी को पूछताछ करते नहीं है। रास्ते में जो चलते हैं तो वो चले जाते हैं और जो नहीं पूछते हैं तो क्या कोई पहचान भी नहीं होती है। लेकिन हम हमारा चैनल के माध्यम से जरूर पूछताछ करेंगे और वातावरण करेंगे, यात्री है यात्रियों से पूछताछ करेंगे। पर्यावरण चेतना पद यात्रा है ये श्री गुरु जामेश्वराय नमः सारंगपुर हिसार हो, दूर से आए हुए हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलेगा बहुत ही दूर से आए, हरियाणा से आए ये। मुक्ति धाम मुकाम नौका बीकानेर राजस्थान। अच्छा, ये हो सकता है वो मुकाम जा रहे हैं तो बातचीत करें। राम राम साहब, भाई साहब नमस्कार जी, जय जामेश्वर महाराज की। जय हो। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है, कौन से जगह से आए हो आप? मैं पहले तो आपके सभी चैनल के जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं उनको नमस्कार करता हूं। और हम मेरा नाम है अनिल बिश्नोई, इसरवाड़ मेरी गोत्र है और मैं CTO रिटायर्ड हुआ। अच्छा हरियाणा अच्छा हरियाणा में ETO बोलते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। तो हम पर्यावरण के लिए काम करते अच्छा रहे अच्छा अच्छा और अभी अमावस्या पे मेला लगेगा मुकाम में, जहाँ लाखों यात्री आएंगे, भक्तजन आएंगे, तो वहाँ भी हम पर्यावरण का अलख जगाएंगे। अच्छा इसी मुकाम पे, इसी अमाउस पे लगेगा। इसी अमावस्या पे है जी। हरियाणा के हिसार जिले में गांव पड़ता है सारंगपुर, तो तहसील आदमपुर पड़ती है। हम वन्य जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो ये अपना प्लास्टिक है, पर्यावरण बचाओ के विषय में, हाँ जी, पर्यावरण बचाने के चक्कर में प्रकृति को बचाना है हमने। जैसे वन जीव है या वर्कस भी है। वर्क्स हैं, ये प्लास्टिक का जो है ना कचरा, इसके लिए भी भाई जो यूज एंड थ्रो का जो प्लास्टिक है ना, इसका इस्तेमाल बंद करें कृपा बहुत बहुत सर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बहुत आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो इतने बड़े इंसानों से हम संपर्क कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हम आगे भी हमारा हौसला बढ़े और भी पहुंचा सके। तो सर आपका नाम क्या बताया आपने? अनिल करके। मैंने अनिल बिश्नोई है, हरियाणा जी बिश्नोई से हमारी बातचीत हो रही है। हरियाणा के रहने वाले हो? के रहने वाले हूँ, हरियाणा में कौन सी जगह के? अच्छा हिसार सारंगपुर। हिसार सारंगपुर के रहने वाले हो। और आपकी जो जो पद बताए थे वो क्या? एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, हाँ अच्छा अभी रिटायरमेंट हो गए, जी, आबकारी एवं कराधान अधिकारी। लेकिन एक पर्यावरण के विषय में ये बड़ी सेवा दे रहे हैं। एक जैसे वन्य जीवों के विषय में, पर्यावरण के विषय में, जो पॉलिथीन आती है उसके विषय में। और बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको जो हमारे आज इस चैनल से आपकी मुलाकात हो रही है। अभी हमारे आगे यात्री भी और भी हैं और वहाँ आपको थोड़ा, और हम चाहते हैं कि आप हाँ अभी करें थोड़ा। तो सर आप बताइए, मतलब वो यात्रियों के काफी मतलब हो जाएगा तो हम पूछताछ मतलब होगी या सही नहीं होगी, लेकिन पूछताछ कर ले कि आप कितने सालों से वहां जा रहे हो? मैं लगभग 40 सालों से जा रहा हूँ। अच्छा 40 सालों से हर साल जाते हाँ, हो। साल नहीं, मैक्सिमम हर अमावस्या पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। अच्छा पैदल ही जाते हो? नहीं पैदल नहीं, बाकी तो गाड़ियों में जाते हैं। ये मेरी 14वीं यात्रा है पैदल की। 14 यात्रा पैदल है। हाँ जी, बहुत बहुत आस्था बड़ी होती है सर। आप बहुत धन्यवाद है। आप इसी मतलब आप एक इंसान इतने बड़े होकर मतलब एक वहां पैदल जाते हो और ऐसे संदेश देते हो लोगों को कि इस राह पर चले। जी हम तो चाहते हैं कि हमारा समाज सारा, सर्व समाज तंबाकू फ्री हो, मद्यमास से फ्री हो, शाकाहार अपनाओ, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों को ना काटो। हमारा तो कहना है भाई, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे। एक जो कहते हैं ना भाई, सिर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। एक वृक्ष के बदले भी सर जाए ना तो भी हम ये सस्ता सौदा मानते हैं। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षा है, उसी
समाज से हम आते हैं, बिश्नोई समाज से, तो हमारे लिए तो जीवों और वृक्ष और प्रकृति से बड़ा कोई भी ना तो धर्म है ना कोई वो। सर एक मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जमेश्वर वहाँ मुकाम जा रहे हो तो सारे मतलब देश के जो बिश्नोई समाज है वो टोटल बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैक्सिमम लोग जो है ना इस मेले पे इकट्ठा होते हैं। ये बहुत बड़ा मेला है समाज का और इसमें हर हर स्टेट से आते हैं, एमपी से, यूपी से, राजस्थान से। जब अपने मिलते हैं, राह पर मिलते हैं तो सारी पूछताछ करनी जरूरी होती है, तो आपके कोई तकलीफ तो वगैरह नहीं है? नहीं, ये तो देखो धर्म के मार्ग पे चलेंगे थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक बड़ा आनंद मिलता है हमें। सर आजकल क्या है कि मतलब कोई जैसे मिलते हैं तो जान पहचान नहीं निकालते? हाँ हाँ बिल्कुल है, मिलते भी हैं, पूछना जरूरी होता है। नहीं नहीं बिल्कुल मिलते हैं, और जहाँ जहाँ से हमारी ये चेतना यात्रा निकली है गांवों से शहरों से होते हुए, तो सभी जगह हमें सभी ने उत्साहित किया है और सभी ने ये कहा है कि भाई हम आपके पदचिन्हों पे चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो। जानकारी बताने के लिए धन्यवाद। और भी सर है हमारे साथ में। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहाँ जो ये सर बताइए उनके गांव से आए हो? चाचा ही है मेरे। अच्छा, आपके ये चाचा जी। तो बहुत बड़े धन्यवाद है, आप परिवार सहित यहाँ जा रहे हो जी। तो कितनी उत्सुकता, कितनी आस्था इस? बढ़िया है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपकी कितनी फेरी है? मेरी तो पहली है जी। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। चलो, आपको तो ऐसा अनुभव तो हो रहा है कि हम आगे भी ऐसे ही जाएंगे। हाँ जी। बहुत बहुत आपकी यात्रा मंगलम हो। तो जलदाय विभाग में हूँ जी मैं। अच्छा, आज जलदाय विभाग में? हाँ जी। और भी आगे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, एक बार आपसे बातचीत कर ले। तो जलदाय विभाग में आप होते हुए पर्यावरण के विषय में क्या सोच रहे हो? बहुत बढ़िया जी, मतलब पर्यावरण बचाना। हाँ जी। कुछ और बताना चाहते हो आप? बस एक रोड के ऊपर जो गंध है जी, इसके बारे में बहुत कुछ है। कांच डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। हाँ, बड़ी असुविधा है जी, हम चलते हैं तो पैरों में कांच, कूड़ा डाल देते हैं। हाँ जी, इसके लिए भी हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, ये भी चलते हुए और के हर तरह का गंध है, इसको जला दें तो या कहीं गाड़ दें तो बढ़िया है। क्या नाम आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी सर है वो बता रहे हैं, हर लोगों को संदेश दे रहे हैं। आप जो भी वीडियो देखे तो इस संदेश को जो एक यूज करना है, क्योंकि रोड पे जब भी चलते हैं तो जब बोतल डाल देते हैं, कांच डाल देते हैं और कूड़ा डाल देते हैं, तो ऐसे जब रोड के जो चलने पे जो ये कचरे डाल देते हैं तो इनसे बहुत पर्यावरण है वो आगे बढ़ता है और इनसे गंदगी फैलती है। क्यों? हाँ जी, बहुत को जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यात्रा में? आप यात्रा में? हाँ जी। सारे एक जगह की? हाँ, सारे एक जगह। बहुत बहुत बड़ी बाबे की आस्था है। एक ही गांव के हैं? अच्छा, एक ही गांव। हाँ, सारे आधे ज्यादा रिटायर कर्मचारी है। सारे सारे कर्मचारी? बिल्कुल। हरियाणा के? हरियाणा। कितने दिनों में आपकी यात्रा है वो वहाँ पहुँच सकेगी? हमारे आठ नौ दिन हम पहुँचे। आठ नौ दिन? आज छठा दिन है। अभी छठा दिन तो चल रहा है, तीन दिनों में पहुंच जाए। और कोई आपकी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई बड़ी बढ़िया है। सर आपका नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, आप सर्विस करते थे? हाँ जी। तो बाबे की मतलब बहुत ऐसे तो आस्था है, लेकिन आपने कितनी फेरी दे दी? फेरी का कोई अंदाजा ही नहीं, हर साल आते हर साल आती हर साल मतलब जामेश्वर बाबे के पूरे विष्णु समाज एकत्रित होते हैं। बिल्कुल। इनसे आपको कुछ अनुभव तो होता ही है कि मतलब फेरी लगने पर आपको जैसे संतुष्टि होती है, शांति होती है? अच्छा, बढ़िया काम होता है वो तो। चाहे जिंदगी में मतलब पैसे तो कमाना ही कमाना, पैसे तो कमाना क्या है, लेकिन इंसान वही होते हैं कुछ। बिल्कुल। अपने देव जो लोक देवता होते हैं और देव समाज होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे हमारी मुलाकात होने पर। बहुत काफी जो ये हरियाणा से चलकर जो बिश्नोई समाज है वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियो जब भी हम इधर उधर जाते हैं तो दिखा सकते हैं। एक भाई साहब और खड़े हैं, उनसे बातचीत कर ले। भाई साहब राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? मेरा मनी राम। कौन से गाँव से हो? यही आशा सर से। आशा सर के रहने वाले। ये भाई साहब ये सर जो बात बता रही है पर्यावरण के विषय में, ये बात सुनी? बहुत अच्छी बात है इनकी। बहुत अच्छी है ना, मानता हूँ इस बात को यूज करना। बिल्कुल, मैं इनका सहयोग देता हूँ। इस बातों पर चलना जरूरी है, चलना जरूरी है इन बातों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सर? ये ना थोड़ा पर्यावरण के विषय में के बारे में और मैं चलना चाहिए। रोड पे गंदगी फैला देती है, रोड राड पे सफाई करो, पॉलिथीन है इनका कम यूज करो।
इन गांवों में तो देखिए गांव घर की गंध है वो लाके रोड पे डालते हैं। हाँ, रोड पे डालते हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये होना नहीं चाहिए चलने वाले के लिए, साधन वाले के। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जामेश्वर के भक्तों की जानकारी हमने लेनी है। यहाँ बीकानेर रोड पे खड़ा हूँ अभी मैं आड़सर के पास है। और यह हरियाणा से चलकर आए हैं वो सर है, वो एक चलते हुए वो एक लोगों को संदेश देते हैं कि रोड पे जो पॉलीथीन डाल देते हैं, रोड पे बोतलें डाल देते हैं, रोड पे कूड़ा डाल देते हैं, रोड के दूर से ही मतलब एक साफ सफाई होनी जरूरी है। जो ये गाँव का ओरण भी है ना, ओरण में इतना कचरा है आप समझ नहीं सकते। ओरण में पशु हैं, पक्षी हैं, इतने पॉलीथीन और इतनी प्लास्टिक की गिलासें और इतना कचरा फैला हुआ है कि देखते हुए ना बस दिल है ना महसूस के रह जाते हैं भाई, इतने बड़े लार्ज स्केल पे कैसे काम किया जाए। सर आप जो संदेश दे रहे हैं वो मैं हमारी और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ आगे पहुँचाने का हमारा कर्तव्य चैनल है, वो आगे पहुँचाएगा। लेकिन और हमारे तरफ से कोई सेवा आपके लिए नहीं। बिल्कुल धन्यवाद जी। आप बस ये इस मुहिम इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हो और आप हमारे लिए ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी पीछे हम बादरा में थे तो हमें बादरा में कवर किया गया, पीछे मंडी आदमपुर में थे तो वहाँ भी पत्रकार भाइयों ने हमें कवर किया उसके लिए। और सोशल मीडिया का तो खासकर प्रिंट मीडिया का भी खासकर धन्यवाद करता हूँ। तो जल्दी आपकी भी यात्रा मंगलम हो। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।